कैसे हो आप सब? उम्मीदें बढ़िया होंगे। आज हम चलने वाले हैं फर्नीचर की कंपनी में। फटाफट से रेडी हो जाता हूँ, आपको चल के उधर दिखाएंगे कैसे क्या बनता है। चलो अभी हम कंपनी में इंटर करते हैं, देखते हैं अभी क्या कैसा कुछ है। आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। गेट उनका इधर से इंटर करते हैं भाई। चलो गाइस, भाई यही मैनेजर सर रहते हैं, देख लो। कैसे हो सर आप? ठीक है, बढ़िया। ये हमारे मैनेजर सर है इस कंपनी के। इनका परमिशन हम ले चुके हैं पहले ही, क्योंकि बिना परमिशन के कोई काम नहीं होता। क्यों? ये अंकल है, अंकल की उम्र है इसीलिए इनको अंकल बोलना पड़ता है। बाकी इनसे बाद में मिलेंगे, ठीक है? अभी आपको कंपनी का पूरा व्यू दिखाते हैं, ठीक है अंकल? ओके बाय अंकल, बाय बोल दो। बाय सर। आप एक बार कंपनी का व्यू देख लो, इधर पूरा सोफा का फ्रेम रहता है, इधर देख लो आप। अभी इधर से हम सब इंटर करते हैं। चलो एक भैया से अभी हम मिलाने वाले हैं, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जबकि इनको कौन नहीं जानता, इन्हें कोई पहचान की जरूरत नहीं है। हमारे भैया, आपका क्या नाम है भैया? अमरीश। अमरीश भाई, ठीक है भाई। तो आप ये काम कब से कर रहे हो? दो साल से कर रहे हो। भैया को देख लो, काफ़ी कुछ नॉलेज है। देख लो अभी ये काम ही कर रहे थे, ये सब आप ही हैंडल करते हो क्या? सब संभालते हैं। अच्छा, पूरा आप ही का काम करते हैं, ठीक है भैया। तो आप अभी क्या कर रहे हो? आप क्या बना रहे हो? पलंग बना रहे हैं अभी भैया का पलंग। भाई इधर से। चलो भाई, एक बार आपको मैं बैक कैमरे से दिखा दे रहा हूँ, रुको। अभी आप बैक कैमरे से देख सकते हो भैया जी को। अभी ये काम शुरू किए हैं फिलहाल, देख लो इनके सामने। अभी ये कौन सा लकड़ा में भैया बना रहे हो आप? सागवान का लकड़ा है। सागवान का लकड़ा अच्छा माना जाता भाई? अच्छा, बहुत अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, तो अभी आपके पास और कुछ मॉडल है दिखाने के लिए? चलो आगे चलो, दिखा दो। चलो गाइस देख लो, ड्रेसिंग टेबल है, इसका माल इधर तैयार हो रहा है। अच्छा, माल इधर हो रहा है, हमारा कारीगर तैयार कर रहा है। अच्छा, ये ड्रॉअर है? ये ड्रॉअर है, सभी उसमें ड्रॉअर आएगा। अच्छा, वो ड्रेसिंग टेबल है, उसके पीछे ऊपर टॉप आएगा। अच्छा, इसके ऊपर आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये क्या चीज है भैया? ये जाली है पलंग के साइज का। भाई भैया कैमरा मैन थोड़ा दिखाओ, दोनों लोग को बात करते हुए अच्छे से दिखाओ थोड़ा। अच्छा भैया, तो ये पलंग का है गाइस, देख लो ये कितना यूनिक डिजाइन है। अभी इसमें और डिजाइन बनेगा, इसमें छिलाई होगा। अच्छा देख लो, ये ऐसे लगेगा। अच्छा, ये ऐसे लगेगा। कौन सा पलंग का है? बेड के टॉप में लगेगा ये पलंग। देख लो वहाँ पर, ये कौन सा लकड़े में है? सागवान का लकड़ा। देख लो गाइस, आप पूछ रहे थे ना कमेंट में, देख लो सागवान का लकड़ा। पूरा काम इधर सागवान में होता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम होता है, ठीक है। और आपको और दिखाने वाले भैया, थोड़ा आओ कैमरामैन, थोड़ा दिखा दो आप। देखो यूनिक डिजाइन है भाई, ये डिजाइन देख लो, ये वाला, ये तो सीएनसी का वर्क है भैया। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, ये भी सागवान की। अच्छा, तो ये आपका रेडी होने में कितना तक आ जाता है? प्राइस कितना होगा? 35,000 गाइस, देख लो इतना डिस्काउंट में, कुछ तो डिस्काउंट हो जाता होगा ना। खैर ये सब काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ भैया थोड़ा इधर गाइस, ये देख लो आप, ये देख लो भाई, ये बताइए भैया कैसे क्या है? एक शानदार मॉडल इंडिया। अच्छा, ये शानदार मॉडल इंडिया का पलंग है भाई, देख लो गाइस। तो कैमरा मैन थोड़ा करीब से दिखाओ, ये सब दिखाओ। इसका नाम है भैया, कितने दिन में एक बन जाता होगा पलंग? तीन पीस बन जाएगा, ठीक है। इसका प्राइस लगभग क्या होने वाला है? हमारे सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं उनको चाहिए होगा, तो कितना तक ये गाइस आ सकता है भैया? 15,000। अच्छा, डिस्काउंट काट के कुछ 1,500, उतना तो मार्जिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खैर ये तो काम करें, इनसे कोई प्राइस वाइज की बात है नहीं, ठीक है भाई। देख लो एक बार, इधर बिजली कट गई है। एक बार आपको दिखा देता हूँ पूरा कंपनी का व्यू। भैया थोड़ा मशीन के बारे में बताओ, क्या क्या होता है इसमें? हर एक चीज़ होता है, हर एक व्यवस्था सुविधा जो बोलते हैं वो भी है। अच्छा, इसमें काट भी सकते हैं, रंधा भी मार सकते हैं, लक्कर सीधा कर सकते हैं। अच्छा गाइस, इस पर कटिंग भी हो सकता है, कटिंग भी। एक बार देखा और इस पर छिलाई करते नीचे भी रंधा मार देते, इसमें डाल के लकड़ा और छिलाई कर। कंपनी का पूरा व्यू देख लो एक बार आप, देख लो कुछ ऐसा काम होता है इधर। आप बोल रहे थे दिखाओ दिखाओ, इधर उस्ताद तो काम कर ही रहे हैं। खैर इस पे क्या होता है उस्ताद, आप बताओ?
पे सभी डिजाइन करता है वो। डिजाइन आप दिखा दो थोड़ा उठा के थोड़ा। गाइस अभी देख लो, एप्पल कटिंग का वीडियो आया था ना, यही है, इसी से होता है। अच्छा इसी से होता है, इसको ऐसे चार्ज देख लो गाइस। अच्छा ठीक है उस्ताद, कोई बात नहीं है, बढ़िया। क्या हो रहा कटप्पा ना, कैसे हो? ये देख लो, इनको कुछ आता नहीं फिर भी हम इनको दिखा रहे हैं। इनको हिंदी नहीं आता गाइस, एक बात बता दे, इनको हिंदी नहीं आता। देख लो इधर भी एक मशीन लगा हुआ है, उधर भी लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। और क्या कर रहे हो उस्ताद, काम कर रहे हो? देख लो गाइस इनके हाथ में सब कुछ होता है, इधर डिजाइनिंग का देख लो आप एक बार पूरा, इधर जो काम होता है वो किधर भी नहीं हो। उस्ताद ये कौन सा लकड़ा है? सागवान है। देख लो भाई हर एक काम सागवान का होता है, इनका जो काम करने का तरीका है वो एकदम से अलग है, एकदम अलग है गाइस। इनका काम करने का तरीका जो है बिल्कुल, आप एक बार डिजाइन देख सकते हो, आप इनके काम करने का तरीका देख सकते हो, इनका सब कुछ देख लो गाइस। कोई ना, इधर भी ये सब बना के रखा हुआ है, चेयर है एकदम खतरनाक वाला। इधर काम अभी चालू हो गया है, भैया लोग सब काम कर रहे हैं, देख लो इनको भी, सब काम हो रहा है एकदम खतरनाक तरीके से। गाइस आवाज़ नहीं जाएगा फिर कोई बात नहीं, आवाज़ के लिए सॉरी बोलता हूँ, थोड़ा काम हो रहा है अभी ना इसीलिए। तो भैया भी इधर काम करने लगे हैं, कोई दिक्कत ना, भैया भी काम कर रहे हैं, खैर कोई ना। हाँ ओके भाई, इनको भी भैया भी कुछ काम कर रहे हैं, इनको भी दिखा दें आपको। भाई काम करने का एकदम तरीका जो होता है एकदम अलग है, मीटर लगा हुआ है पता ही खतरनाक वाला। देख लो आप बोल रहे थे ना कैसे डिजाइन बनता, भाई इधर बनता है डिजाइन, देख लो, देख सकते हो इसका पूरा वीडियो आ गया, आप खुद देख लो जाके देख लो, एकदम खतरनाक तरीके से भाई। क्या है भाई इसमें, क्या है एकदम ओपी तरीके से, देख लो पूरा कंपनी का व्यू देख लो इस बार। ये सब सोफा का फरियम है भाई, सोफा का फरियम है पूरा, देख लो इधर मेन गेट उधर है, देखो उधर से आप इंटर हो जाओगे, इधर पूरा आपको फर्नीचर का काम मिलेगा, बेड पलंग जो भी कुछ बनता है इधर बनता है, बाकी इधर सब पॉलिश वॉलिश का काम होता है। पॉलिश का काम तो हम अगली वीडियो में दिखाएंगे, कोई ना, इधर पूरा स्टोर करके रखा हुआ है, देख लो आप, देख लो इतना बड़ा बड़ा मशीन है, ये सब प्रेसिंग मशीन है, इसमें बहुत अच्छा अच्छा काम होता है। एक मशीन इधर भी लगा हुआ है, ठीक है गाइस आप देख ही सकते हो, बाकी कंपनी का पूरा व्यू आपको मैंने दिखा दिया हूँ, अभी भैया लोग से बात भी करा दिया हूँ। अभी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद टाटा बाय बाय।